गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज शाल और वे सारे कजन बैठे हैं सवेरे। अब्दुलमान का मैं देखा हुआ, इसको नहीं देखा हुआ, उसको भी नहीं देखा हुआ, एक आगे बैठा उसे भी नहीं देखा हुआ, चाचू को भी नहीं देखा हुआ। तो वे चाचू के साथ जा रहे हैं। ये हुआ एक बहुत सदियों पुरानी हवेली जहाँ पर जिन और चुड़ैलों का कब्जा है, और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि मैं सब कुछ वजू वगैरह करके आई हूँ। ये मेरा कज़न है, मेरी पप्पा का बेटा, मेरे तायबू का बेटा है जो बैठा छुपा रहा है। ये अब्दुलमान है, इसका अभी देखा भाई है, खाला का बेटा है, और महाद भाई है वो आगे बैठा है, फूल आ रहा है किसी का। सो गाइस अभी हम रास्ते में थे हवेली के, और बहुत सारा मज़ा आया। पहले ये सीन हुआ कि हम खुला हुआ नहीं था पूरी हवेली, लेकिन मेरे दूसरे चाचू काशिफ आए, जब दूसरे चाचू काशिफ आए तब हम चले गए हवेली, अंदर से भी देखी हमने। तो ये सारी जो ब्लॉगिंग की है मैंने नहीं की, मेरे कज़न महाद भाई ने की है। उनका भी चैनल है, गो सब्सक्राइब द चैनल महाद नसीर। और अभी हम रास्ते में ही थे और ये स्लो-मो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली हवेली में मेरी परदादी का भी घर है, मेरी दादी का भी घर है, तो हमने बहुत अंदर से, वो लॉक था तो हमें देखा नहीं। जिस घर में जिन थे हम उस घर में गए नहीं, जिस घर में बस एक जिन था हम उसमें गए थे। और मैंने मजाक में कह दिया अगर कोई यहाँ पर है तो मेरे चाचों को थप्पड़ मारे, बट ऐसा कुछ था नहीं, मजाक में ही बात करी थी और ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब हम, मतलब कि कल की बात है, हम लोग ऊपर छत पे बैठे थे, बातें कर रहे थे चाचू के साथ जिन वगैरह की, एकदम से ड्रम बजा और ऊपर से ये हुआ कि ये पानी की टुंडी चल गई। हम सारे भाग गए नीचे जाए, हमें पता चला बाद में चाचू ने ड्रम बजाए और मोटर में पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए टुंडी में जब मोटर चलाई तो टुंडी में से पानी आ गया। और यहाँ पर जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरे साथ अब्दुलमान बैठा है। अब्दुलमान अब मज़ा आया था? कह रहे नहीं, सीरियस आपको बताओ, कह रहे हाँ मज़ा आया था। और अभी वो मज़ा आया, देखिए आप आईपैड देख सकते हैं शीशे में, आईपैड या किसी और का कैमरा अच्छा नहीं था तो मैं आईपैड ले गए। और अभी बहुत मज़ा आया था, मतलब कि अभी ये हम जा रहे थे बाज़ार के अंदर से, हमने रास्ता निकाल दिया। एक्चुअली पप्पा की भी दुकान है ना खाने पीने की, तो वो अब्दुलमान है, वो बिलाल है, आगे एहसन है, फिर मेरे चाचू हैं, मैं सबसे आगे थी, चाचू के से भी आगे थी मैं। और बहुत ज़्यादा लाइक ये ऐसा था, और जो लोग आए जा रहे हैं सर को अभी हम इग्नोर करते हैं। अच्छा तो ये बिलाल है, इसकी शक्ल थोड़ी सी नज़र आई होगी आप लोगों को, ज़्यादा नहीं आई होगी क्योंकि ज़रा शर्मीला सा है। और अभी देखो वो मैं हूँ और वो मेरे चाचू हैं आगे। मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। ये हुआ कि अब्दुल्ला है ना, जो अब्दुलरहमान का भाई, जिसको मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ना हम मोटरवे से मुल्तान आए थे अलीपुर से, मेरे कज़न्स भी थे अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान और मेरी खाला और चाचू थे, हम लोग आ रहे थे। तो ना मैं, अब्दुलरहमान, मेरी छोटी बहन और चाचू और आनी एक गाड़ी में थे, और जो मेरे बाकी सारे लोग थे, मम्मा पापा, अब्दुल्ला, शवाल, आयमा, वो अलग गाड़ी में थे। और अब्दुल्ला ने, हम जब मुल्तान पहुँचने लगे, अब्दुल्ला ने एक लड़की को देखा, वो रेड कपड़ों में थी और ऐसे थी। मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी हवेली आ गई है। तो ये सारी हवेली थी, अंदर से आकर देखते हैं, ये पूरी हवेली थी। और जब मैं ये कह रही थी कि अब्दुल्ला ने, मतलब कि चुड़ैल, ऐसे हमें लगा चुड़ैल है, मतलब कि उससे लगा। फिर मोटरवे से हम टूल प्लाजा पे थे ना, तो अंकल ने कहा आपने किसी लड़के को देखा? और लड़की को वो मोटरवे पे बैठे हुए थे। चाचू ने कहा नहीं, मैं, चाचू ने अब्दुल्ला को फ़ोन किया, अब्दुल्ला ने कहा पापा मैंने ना देखी एक लड़की और लड़का। पापा कहते हैं हाँ टूल प्लाजा, मतलब कि मेरे पापा कहते हैं टूल प्लाजा पर मैंने भी उनको कहा था, तो ना एक लड़के को पुलिस तो ले गई, अब लड़की गायब हो गई फ़ौरन से, अचानक से। चाचू ने कहा रात को लड़की, मतलब कि जो रेड कपड़ों में लड़की होती है वो चुड़ैल ही होती है। तो हम मतलब कि अब्दुल्ला डर, अब्दुल्ला कोई भी नहीं डरा, हमें देखी भी नहीं, अब्दुल्ला ने देखी थी। हम सारे इतना घबरा गए। फिर हम जब मुल्तान पहुँचे ना, हम इतना हंसे उस बात पर, इतना हंसे। और ये अभी सारा, मतलब सारी हवेली है आप देख सकते, ये पता नहीं यहाँ से पर्दे से क्या मसला है, अब्दुलरहमान का ट्वीट्स वगैरह आए जा रहे हैं, क्या क्या करें। अच्छा तो ये पूरी, मतलब कि वार्डरोब टाइप है, मुझे नहीं पता किसकी है। एक्चुअली अभी ये ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर इस तरह, इस घर में जो अलमारी के साइड वाला घर, उधर जिन है बहुत सारे,
और ऊपर भी जिम है। और समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ, इतनी सारी बातें करने को हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे कज़न्स गए, मेरी कज़न लड़कियाँ नहीं गई, सिर्फ लड़की में थी, बाकी सारे लड़के थे। और वापसी मैंने आइसक्रीम भी खाई पाए थे मैं। और ये बहुत ये जो ये वाली हवेली ना साइड वाली अलमारी की साइड वाली, उधर उधर जिन्न है, वो टूटी फूटी है लेकिन उधर बहुत सारे जिन्न है और बहुत सारे जिन्न है। और इधर लग ये हवेली और ये मैं बोल रही थी कि मेरी परदादी का घर है और ये इधर पता नहीं किसका घर। और मेरे चाचू हमेशा की तरह डर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। मैं दूसरे तक चाचू आए, मतलब कि ये पहले, मतलब कि ये भी चाचू काशी में, दूसरे भी चाचू काशी में, वो मतलब कि ये तो पापा के भाई हैं, वो पता नहीं पापा एक कज़न वगैरह। तो उनसे बाहर ये बिलाल की शक्ल आपको नज़र आ गई, हम बिलाल उनमें कहते डरपोक डरपोक, हम ऐसे कहे थे। देखो मैंने बोला डरपोक बिलाल, मैंने डरपोक बोला। ये गाइस आपको मैं सही बताऊँ, हवा बिल्कुल नहीं चलती, दोबारा हवा नहीं चलती थी ना, मुँह से बोलो हवा नहीं चल रही थी। और एक पर्दा हिल रहा था, इसी घर में जिन थे और पर्दा हिल रहा था, हमने कहा कैसे हिल रहा है। और ये कितनी गंदी ब्राउनी पेंटिंग अब्दुलरहमान मुझे नजर आई, फिर हमने सबको बताया इतनी गंदी पेंटिंग है। पहले बताया ये दूसरे चाचू काशी में, आपको दिखाती हूँ वो चाचू काशी में दूसरे वाले। सॉरी हमारी फैमिली आई है ना, बात हो रही ये चाचू काशी में। और हम उन्होंने कहा शूटिंग जितनी मर्जी करनी है आप लोग कर लो। मैंने सोचा अगर ये सही तरह कुछ हो जाता है तो ये इसे शूटिंग असल में भी हो सकती है मूवीज वगैरह की। और ये बहुत ज़्यादा ड्रामी जगह थी, मैं और बिलाल सारे कजिन्स कह रहे हैं ऊपर चलो, लेकिन जो अब्दुलरहमान के पापा हैं चाचू चाचू काशे, वो ना थोड़े से डर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में चुड़ैले देखे हैं, मतलब कि चुड़ैले बहुत देखी हैं, लेकिन इससे वो थोड़ा इतना नहीं डर रहे थे, लेकिन डर तो हर कोई रहा था। ऊपर जाने से बहुत डर लगा था, हम तीसरी मंजिल तक गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उधर, बहुत तकरीबन। और इधर ये खिड़की है, खिड़की इधर से जिन नज़र आ, मतलब कि इधर से वो था, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। पहले क्लिप्स बहुत अच्छे बनाए हैं महाद भाई ने, थैंक यू महाद भाई। अच्छा उनका चैनल सब्सक्राइब। तो ये पापा का फ़ोन आया था और अभी हम ऊपर जा रहे हैं तीसरी मंजिल पे। इधर वो था, मतलब कि पूरी कच्ची दीवार थी, अरे मेरे चाचू देख रहे हैं। और मतलब कि प्यारी जगह थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। और यहाँ पर सारे मतलब कि ईंटों से बना हुआ था सब कुछ, और वो अपनी घर को मंजिल मुझे नहीं पता। तो अभी एक बिल्डिंग है, हाँ जी इस घर में जिन थे, ये सारी टूटी फूटी बिल्डिंग है, इन दोनों घर में जिन थे। अगर हम गए नहीं थे क्योंकि रास्ता बंद था, मंडा में जाती है इसके अंदर, मुझे सुबह कुछ नहीं कहते जिन रात हो गए थे, इसलिए हम सुबह गए थे, कुछ ऐसा ना हो घर पर। पर किसी ने हाथ लगाए हुए थे इससे ऐसे, और इस घर में तो जिन थे, इस वाले घर में, उसके नीचे वाले घर में पोर्शन में जिन थे। और ये सारी टूटी फूटी बिल्डिंग है, पापा के मोबाइल में नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। और ये सारा मतलब कि बिल्डिंग ऐसी थी, आप देख सकते हैं, तो भी ये सारी ऐसी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं इजीली। और ये जो बिल्डिंग थी ये कच्ची बिल्डिंग थी, मतलब कि इस पर कुछ घर भी नहीं था, ये थोड़ा सा लाइक गंदा हुआ था, ठीक है। और फिर हम चले गए वापस अपने घर। और ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बड़ा हो चुका है, फिर भी इट्स फाइन, 10 मिनट या 9 मिनट का होगा, ठीक है। ये ऐसे ब्लॉगिंग की थी, तो ये मतलब कि हम घर जा रहे थे, और तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और हम गाड़ी ऐसी वैसी देख सकते हैं ना।